गुड मॉर्निंग। तो ये हम लोग जहाँ पारिक भवन में स्टे किए थे उसका बाहर का नज़ारा है। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। अब हम लोग जा रहे हैं वापस रिजॉर्ट में। मॉर्निंग सुबह हो गई है, ठंड भी है थोड़ी बहुत इधर, और ये अभी मेरी फ्रेंड बन गई है। वैसे बहुत रानी हूँ मैं। ये देखो, रहा मेरा हल्दी का लुक। जल्दी जल्दी जा रहे हैं, पहले सबसे पहले नाश्ता करेंगे। ये डांट रहे मेरे को, लेट हो रही है। चल, ये और मैं दो ही बचे हैं रूम में, और ये वाली साड़ी पहनी है मैंने, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल हम लोग जाके पहले नाश्ता कर लेते हैं। चलो चलो, कैसी लग रही हूँ मैं? नाश्ते और यहाँ पे अभी हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। मैं आप लोगों को रिजॉर्ट का पूरा बैकग्राउंड बाद में दिखाऊंगी। और वो रहा दूल्हा व्हाइट चोला में। तो अब हल्दी के रस्म की तैयारियां हो रही है, और यहाँ पे पूजा मेरे राखी बांध रही है और मैं भी पूजा के। ये एक शगुन माना जाता है हमारे, और हमारे हल्दी के दिन येलो एंड ग्रीन ब्लाउज़ का थीम था, तो हम सब लेडीज़ लोग येलो साड़ी पहने हैं, और बॉयज़ और जो ताऊजी थे उन्होंने भी येलो कलर का कुर्ता पहन रखा है। अब हल्दी का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं मतलब मेरे जो जेठूता है ना, मतलब जो दूल्हा है वो मेरे जेठूते लगते हैं, मैं उनकी चाची लगती हूँ, क्योंकि आप लोगों को बताना ज़रूरी है। तो इसमें मैंने बताया भी है, लेकिन इसमें क्या है ना कि बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था, जिस वजह से मेरे वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ रहा था। इस वजह से मेरे को ओरिजिनल साउंड जो था उसको म्यूट करना पड़ा। सो मैं आप लोगों को ऐसे बता देती हूँ कि ये मेरे जेठूते लगते हैं।
हो गया हल्दी का फंक्शन है जैसे अब लोग सारे हम लोग जा रहे हैं रूम के और अब हम डांस करके रूम में जा रहे हैं। डांस उस टाइम तक किया नहीं, अब करेंगे डांस। अब मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला है तो साड़ी वाड़ी वापस चेंज करेंगे। खाली चेंज करो, साड़ी पहनो, एंजॉय करो, और कुछ काम तो है नहीं। तो वापस चेंज करेंगे मेहंदी के अकॉर्डिंग, मेहंदी कलर की साड़ी पहनने वाले हैं अब हम लोग। ये वाला तो हमारा रूम ऊपर है, मैं आप लोगों को ऊपर से बैकग्राउंड दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है, पिक शूट के लिए तो एकदम फर्स्ट क्लास। और ये हीरोइन आ गई फोटो शूट के लिए। चलो करते हैं। लगता ही नहीं ना मैं इसकी चाची सास हूँ, क्योंकि हम लोग एकदम सेम एज के हैं तो एकदम फ्रेंड की तरह रहते हैं। और वो देखो धोरा सब है आपके पहाड़